वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में की अवामी रैलियां। कहा, मोदी के गारंटी के तहत भारत बनेगा आलमी मेयार की बुनियादी ढांचे का मरकज। वज़ीर-ए-आज़म शाम को तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में भी करेंगे इंतखाबी रैली। तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार लीडरों ने अपनी इंतखाबी मुहिम में लगाई अपनी तमाम तवानाई। जेपी नड्डा ने मसूरी और उत्तराखंड, अमित शाह ने त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में चलाई इंतखाबी मुहिम। राजनाथ सिंह ने जम्मू, राहुल गांधी ने वायनाड और प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अलवर में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। मायावती ने मुरादाबाद में किया जलसा आम। शराब पॉलिसी घपले से मुतालिक मुकदमात की समाअत अरविंद केजरीवाल और के कविता की अदालती हिरासत में 23 अप्रैल तक की गई तौसी। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने ईडी से मांगा जवाब। ईरान पर जवाबी हमले में अमरीका नहीं देगा इसराइल का साथ। सलामती काउंसिल में तेहरान को जवाबदेह बनाने पर करेगा काम। अक्वामे मुत्तहिदा के सरबराह का ईरान के इसराइल पर हमले के बाद तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में हिंदुस्तान के विद्युत गुजराती ने हिकारो नाकामोरा को शिकस्त देकर किया बड़ा उलटफेर, जबकि डी मुकेश और आर प्रज्ञानंदा के दरमियान मैच ड्रॉ पर हुआ खत्म। इस ड्रॉ के बाद मुकेश मुश्तरका टॉप पोजीशन पर बरकरार। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज केरला के त्रिशूर में LDF और UDF को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केरला में ये दोनों इत्तेहाद एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली में वो खानदानी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए एक दूसरे के साथ टिप्स शेयर करते हैं। उन्होंने कल ही जारी किए गए BJP के संकल्प पत्र का जिक्र किया और कहा कि उसमें किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने रियासत में पानी की किल्लत का मसला उठाया और उस पर बरसर इख्तदार और रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि LDF हुकूमत हर घर तक पानी फराहम करने में बदउनवानी में मुलव्विस है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में कोऑपरेटिव बैंक में होने वाले गबन का भी जिक्र किया और लोगों को यकीन दिलाया कि जिन लोगों ने उसमें अपना सरमाया खो दिया है उनको उनकी रकम वापस मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि वो इस मामले पर आवाम में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे लेकिन आपके हक में आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम के आठंगल में दिन की दूसरी अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में फैली बदउनवानी पर एक बार फिर LDF और UDF को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों में गबन पर CPM लीडरों की मजम्मत की। उन्होंने अवाम से वादा किया कि जो लोग करप्शन का शिकार हुए हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे। CPM के नेताओं को
जो रिश्वत मिली है वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए में है। जैसे अकेले त्रिशूर में ही 80 से ज्यादा अघोषित खातों में 25 करोड़ रुपए की रिश्वत जमा है। अकेले त्रिशूर के सीपीएम जिला सचिव के नाम पर 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जब एक स्थान का ये हाल है तो हम बाकी केरला का अंदाज लगा सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने त्रिपुरा के अगरतला में एक इंतखाबी रैली में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कबायलियों के एहतराम, उनकी सलामती और जामे तरक्की के लिए न सिर्फ मुल्क भर में तरक्याती काम किए हैं बल्कि उन्हें साथ रखने के लिए भी काम किया है। ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। और इस बीच उत्तराखंड के बसूरी में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी सदर ने मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 10 साल में सियासत की तारीख बदलने की बात कही। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत। इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मगरबी बंगाल की हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी की हुकूमत मरकजी स्कीमों को रियासतों में लागू करने की इजाजत क्यों नहीं देती, इससे यहाँ के गरीब लोग मुतासर होते हैं। सरकार ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की गरीब और जरूरतमंद जनता के खिलाफ क्यों है? वो क्यों पक्के मकान नहीं बनाकर देना चाहती जो मोदी सरकार पैसा भेजती है? वो क्यों देश के और पश्चिम बंगाल के हमारे किसानों के खाते में पैसा क्यों नहीं डालने देना चाहती? वो आयुष्मान भारत के 5 लाख का मुफ्त इलाज का लाभ क्यों नहीं यहाँ की जनता को देना चाहती? क्यों पश्चिम बंगाल की जनता के खिलाफ ममता बनर्जी जी हैं, ये मेरा सीधा सवाल है। केंद्र की योजनाओं पर रोक क्यों लगाती हैं? और बीजेपी के सीनियर लीडर एस जयशंकर ने आज बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की तरफ से बनाई गई मुख्तलिफ स्कीमों से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विच हैज बीन रियली गिविंग फ्री राशन्स ऑफ 5 किलोज ऑफ राइस इन दिस स्टेट टू पीपल, टुडे 80 करोड़ पीपल इन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम इट। सिमिलरली द आवास योजना विच ऑलरेडी अक्रॉस द कंट्री हैज क्रिएटेड 4 करोड़ हाउसेस, देर इज अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग दिस बाय अनदर 3 करोड़ मोर। For every household, the electricity bill will come down by Surya Ghar Yojana, where there will be rooftop solarization and the benefits from that. In terms of support for employment, one of course with the Mudra loan amount, which is 10 lakhs, we will increase it to 20 lakhs. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में रोड शो शुरू किया। राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव और भंवर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने कांग्रेस लीडरों का इस्तकबाल किया। कांग्रेस ने इस सीट से ललित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, जो एक MLA भी हैं, जबकि मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी आज केरल के एक हफ्ते के दौरे
की शुरुआत की है। वो आज अपनी पार्लियामानी सीट वायनाड में हैं। राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने आज सुबह वायनाड में रोड शो किया। इस सीट पर राहुल गांधी को सख्त मुकाबले का सामना है। इंडी इतिहाद को की अहम जमात CPI ने इस सीट से अपनी एनी राजा को मैदान में उतारा है। वहीं BJP ने अपनी रियासती इकाई के सरबरा के सुरेंद्र को इंतखाबी मैदान में उतारा है। राहुल गांधी ने कहा है कि असल लड़ाई कांग्रेस और RSS के नजरियात की है। The main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress Party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि शुमाल मशरकी रियासतों में कांग्रेस को अवाम में मकबूलियत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि असम के सात वज़रा और खुद वजीर आला जोहार में कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार सभी जगहों में सही ढंग से चल रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को उसके सामने कुछ बाधाएं लगाने के लिए, खास तौर से असम में असम के मुख्यमंत्री और असम के सात मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जोरहाट में बैठे हुए हैं क्योंकि वो घबराए गए हैं कि जोरहाट के हमारे उम्मीदवार गौरव गोगोई जी जरूर इस सीट को जीतने वाले हैं। अंडमान और निकोबार जजाइर से BJP उम्मीदवार विष्णुपद राय ने इतवार को कांग्रेस को निशाना बनाते हुए दावा किया कि पार्टी ने हमेशा भारत मुखालिफ जज्बात को फरोख दिया है। इतवार को ANI से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने कोको जजायर जो शुमाली अंडमान जजायर का हिस्सा थे म्यांमार को तोहफे में दिए थे। भारत विरोधी काम किया पंडित नेहरू, यानी माउंटेन के साथ अलग संबंध था, सब जानते भी हैं। भारत का भूमि अंडमान नॉर्थ अंडमान के दो द्वीप था, छोटा कोको बिग कोको आइलैंड्स, इन्होंने गिफ्ट किया बर्मा को, चाइना बैठा हुआ है। इतना बड़ा गद्दारी बेईमानी नेहरू ने किया, उस कारण से अंडमान खतरा पैदा हुआ। 70 साल चिंता भी नहीं किया। आज भारत भूमि में सुरक्षा करने के लिए कैंपबेल बे में इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं स्टैचू है, कुछ नहीं किया, सिर्फ देखते हैं इंदिरा गांधी जी। उस पर आज शिपमेंट या सिंगापुर की तरह शिपयार्ड बन रहा है, शिपमेंट बन जाएगा, क्या शिपमेंट पोर्ट बन रहा है, डिफेंस का दो दो एयरपोर्ट बन रहा है, ताकि चाइना को काउंटर कर सकते हम कैंपबेल बे में, ताकि वो तेल लूटने लेने के लिए। और शुमाल मशरकी दिल्ली अब इस इलेक्शन में एक हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस ने कल यहां से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई तो सामने होगा ही, कोई फर्द अहम नहीं होता, ख्यालात और मसाइल अहम होते हैं, अवाम फैसला करेगी कि नतीज क्या होंगे। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। इस बीच कन्हैया कुमार को टिकट देने पर BJP के मौजूदा उम्मीदवार और रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि क्या कांग्रेस को कोई दूसरा चेहरा नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार ने मुल्क फौज और मुल्क की सकावत की तौहीन की है। लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये ज़रूर
लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। एक तरफ जहां एनडीए इत्तेहाद के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए इत्तेहाद भी जोरों शोरों से अपनी मुहिम चला रहा है। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी कल राजस्थान पहुंची, तो तेजस्वी यादव ने बिहार में भरपूर मुहिम चलाई। ममता बनर्जी बंगाल में कई इंतखाबी प्रोग्रामों में शरीक हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी सरगर्म नजर आई। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जुमे को होने वाली है, ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को अपने हक में करने में मसरूफ हैं। कांग्रेस समेत एनडीए इत्तेहाद की तमाम पार्टियां भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इसके अलावा दिगर जमातें भी इंतखाबी रैलियां निकाल रही हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने राजस्थान के जालौर में एक इंतखाबी रैली निकाली। प्रियंका गांधी ने जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक वजीर आला अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हिमायत में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जब से रियासत में अशोक गहलोत की हुकूमत बदली है, तरक्याती स्कीमों पर काम रुक गया है। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की, स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ, कौन बताएगा? बंद हो गई। कर्नाटक के वजीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने गोडाकू के मेदागिरी में नामा निकालो से बात की और बीजेपी की क्यादत वाली हुकूमत पर कोई वादा पूरा न करने का इल्जाम लगाया। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत के मफाद के मसाइल मरकज में उठाए जाएंगे, मिलकर यहाँ की आवाज को उठाएंगे और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा आपको है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव इंतखाबात के पहले मरहले की पेश नजर कई रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गया के इमामगंज और वजीरगंज में इंतखाबी रैलियां की। उन्होंने नवादा के कोवाकोल में एक इंतखाबी जलसा भी किया। जलसा आम से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मरकज में इंडी गठबंधन हुकूमत बरसरे इख्तदार आएगी, तो अग्निवीर स्कीम को रोक दिया जाएगा और फौज में पुरानी बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। हम लोग अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे, अब पुराना जैसे बहाली होता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग सब लोगों का कराने का काम। मगरबी बंगाल की वजीर आला और टीएमसी की सरबरा ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी का दौरा किया। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुजफ्फरनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के दौरान मुजफ्फरनगर में कोई फसाद नहीं हुआ, जबकि एसपी हुकूमत के दौरान जाटों और मुसलमानों का भाईचारा टूट गया था। हमने पश्चिमी यूपी में, खासकर आपके मुजफ्फरनगर जिले में, हमने कोई भी दंगा फसाद आदि नहीं होने दिया। सपा जब पावर में थी तो यहाँ जो बरसों से जाटों में और मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा पैदा था, तो सपा की सरकार ने उस भाईचारे को तोड़ा गया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर सजल रामकृष्ण रेड्डी ने कल इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी सरबरा और आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर हमले की मजम्मत की। कल विजयवाड़ा में नामालूम अफराद ने जगन मोहन रेड्डी पर पथराव किया, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगर केजरीवाल ईडी के दलाइल का जवाब देना चाहते हैं तो 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे।
और दिल्ली शराब पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम वजीर आला अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने उनकी अदालती हिरासत में 23 अप्रैल तक की तौसी कर दी है। आप पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने वक्फ बोर्ड में भर्तियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह खान की पेशगी जमानत का मुतालबा मुसरद कर दिया है। अदालत ने अमानतुल्लाह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेश होने को कहा है। अमानुल्लाह 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होंगे। अदालत ने कहा है कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक मवाद है तो अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है। और दिल्ली एक्साइज घपले में गिरफ्तार बीआरएस लीडर के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने के कविता की अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक की तौसी कर दी है। कविता की सीबीआई रिमांड का आज आखिरी दिन था, ताहम आज सीबीआई ने अदालत से उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेजने का मुतालबा किया था। कविता जो तिहाड़ जेल में बंद थी को ईडी के बाद सीबीआई ने अपनी तहवील में ले लिया है। और नाज़रीन आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। अब तक वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें कही हैं उनमें चंद अहम बातें ये हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमें 2024 के इंतखाबात त्यौहार की तरह मनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क मजबूत है और यहाँ के शहरियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के तसव्वुर से सबको हौसला मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी निजी फैसला किसी को डराने के लिए नहीं है। वज़ीर आज़म ने अपने तमाम वादों को पूरा करने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब हमारा अज़्म है। नाज़रीन आप ये इंटरव्यू इस वक्त दूरदर्शन पर देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून मामूल से बेहतर रहेगा। वहीं महकमा मौसमियात 104 से 110 फीसद के दरमियान बारिश को मामूल से बेहतर मानता है। ये फसलों के लिए एक अच्छी अलामत है। IMD ने कहा है कि 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। इससे कबल 9 मार्च को निजी मौसमियाती एजेंसी स्काईमेट ने अपनी पेशगोई जारी की थी। एजेंसी ने कहा था कि इस बार मानसून मामूल के मुताबिक रहेगा। इसका मतलब यह है कि जून से सितंबर तक के 4 महीनों में बारिश 96 से 104% के दरमियान हो सकती है। गुज़िश्ता साल IMD ने 96% बारिश की पेशगोई की थी, ताहम उस मुद्दत के दौरान सिर्फ 2% कम यानी 94% ही बारिश हुई। मानसून आमतौर पर केरल के रास्ते यकम जून के आसपास आता है। 4 माह की बारिश के बाद यानी सितंबर के आखिर में यह राजस्थान के रास्ते वापस होता है। मुकद्दस श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। रजिस्ट्रेशन मुल्क भर में 4 बैंक जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक की 540 शाखों में कराया जा सकता है। इसके अलावा अकीदतमंद श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। और उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है। आप वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महकमा सियाहत ने टोल फ्री नंबर 01351364 पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की है। इसके अलावा आप स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल ने इस साल भी मुसाफिरों की तादाद को महदूद करने का कोई इंतजाम नहीं किया है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दरवाजे 10 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के दरवाजे 12 मई से दर्शन के लिए खुलेंगे। आलमी चैलेंजों के बावजूद मजमुई बरामदात गुज़िश्ता साल की बुलंदतरीन सतह से आगे रहने का तखमीना लगाया गया है और माली साल 2022-23 में 776.40 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में बरामदात माली साल 2023-24 में 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अंदाजा है। इस अरसे के दौरान खासतौर पर इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मा और पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात में बड़ा इजाफा हुआ है। वजारत तिजारत के अदाद शुमार के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक अशिया की बरामदात माली साल 2022-23 में 23.55 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर माली साल 2023-24 में
29.12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई हैं। और आइए अब नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। हिंदुस्तान के डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के आठवें राउंड में हमवतन विद्युत गुजराती को शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही गुकेश ने इस बार फिर से मुश्तरका टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। हिंदुस्तान के आर प्रज्ञानंदा ने आठवें राउंड में अली रजा फिरोजा के साथ ड्रॉ किया। खवातीन के जुमरे में हिंदुस्तान की तजुर्बेकार खिलाड़ी कोनीरो हम्पी ने हमवतन आर वैशाली को शिकस्त दी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी